Press the bell icon for all updates from Khabri Hindustan. करण जौहर की अपकमिंग फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर रही तारा सुतारिया अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर बेहद उत्साहित हैं। आखिर तारा भला उत्साहित भी क्यों ना हो। एक तो उन्हें अपनी पहली ही फिल्म धर्मा प्रोडक्शन जैसे बड़े बैनर से मिल गई और दूसरा इस फिल्म में वह टाइगर श्रॉफ के अपोजिट नजर आने वाली है। तारा एक प्रोफेशनल डांसर भी है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट तारा और अनन्या पांडे नजर आएंगी। बुधवार को ही तीनों एक्टर्स के पोस्टर्स जारी किए गए हैं जिनमें तीनों ही शानदार नजर आ रही हैं। टाइगर श्रॉफ इन दिनों अपनी फिल्म बागी 2 के धमाकेदार प्रदर्शन के बाद से ही बॉलीवुड में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में तारा का खुश होना भी लाजमी है। पहले से स्थापित एक्टर के साथ काम कर उन्हें सीखने को भी मिलेगा और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की भी कम चिंता रहेगी। खैर, खबरों की माने तो तारा फिल्म में अनन्या पांडे से लड़ती हुई नजर आएंगी और वह भी टाइगर श्रॉफ को पाने के लिए। लेकिन रियल लाइफ में तारा की जिंदगी में ऐसी कोई फाइट नहीं है। वह पहले से ही दिवंगत बॉलीवुड एक्टर विनोद मेहरा के बेटे रोहन मेहरा को डेट कर रही है। कम से कम उनका इंस्टाग्राम अकाउंट तो यही इशारे कर रहा है। ग्लैमरस तारा के इंस्टाग्राम अकाउंट से रोहन मेहरा के साथ उनकी कई तस्वीरें शेयर की गई है जिनमें दोनों की करीबियों का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। रोहन मेहरा भी इसी साल सैफ अली खान की बाजार से डेब्यू करने जा रहे हैं। तारा का इंस्टाग्राम अकाउंट अपने इस खास दोस्त की तस्वीरों से भरा पड़ा है और यकीन मानिए दोनों बेहद कूल नजर आ रहे हैं।